दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की, उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास ट्वेल्थ। सब्जेक्ट है आपका लेखा कर्म। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स इन 80 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को कम्प्लीट याद रखना है। इसमें से त्रैमासिक परीक्षा के अलावा हमारे एप्लीकेशन पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी कंटेंट उपलब्ध है। तो आप ऐसा करिएगा, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उस पर आप लोगों का जो कोर्स है वो अवेलेबल हमने करा दिया है, जिसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी हमने बताए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने उसमें शामिल करे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेखा कर्म कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आ बा तथा सा, ठीक, जिसमें कि 2/4, 2/4 और 2/8 इसके अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है, साझेदार हैं मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकें कि ये जो तीनों हैं ये मिलकर काम कर रहे हैं। कोई सा भी बा सेवा निवृत्त होता है, मतलब कि इसमें से जो सेवा निवृत्त होता है ये वाला जो है ये क्या हो जाता है, सेवा निवृत्त हो जाता है। ठीक, नया लाभ हानि अनुपात होगा। अब जो नया लाभ हानि अनुपात है वो आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है 2/2, 2/2, 1/1 या फिर 1/2 या फिर 2/1। तो देखो ये जो है ये गायब हो गया, तो एक तो ये बचा है, एक ये बचा है। इसका अनुपात 2/4 है, इसका 2/8 है। ठीक है, मतलब कि ये जो है इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों में अंतर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, किसी साझेदार की सेवा निवृत्ति मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है, मतलब कि किसी साझेदार की जो सेवानिवृत्ति हो जाती है फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पूंजी खाता होता है उसको जमा किया जाता है। तो इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है, उसके भाग की जो ख्याति है उसमें। ठीक है, अगला देखिए, अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज दर अधिक नहीं हो सकती। अंशों पर जो बकाया मांग है कितने परसेंट नहीं हो सकती है, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर 10% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती अंशों पर अगर बात की जाए तो। ठीक, इसके बाद में देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, हरण अंशों के पुनः निर्गमन का लाभ हस्तांतरित होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा पूंजी आरक्षित में। ठीक, पूंजी आरक्षित में हस्तांतरित हो जाता है लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें बताया है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो है कितना ब्याज दिया जाता है, कितने परसेंट ब्याज दिया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है अगर साझेदार संलेख का अभाव होता है तो, किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। इसके बाद में ये आप देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं कहलाता है। देखो त्याग करने के लिए जो सहमत होते हैं ना, वो जो अनुपात है वो कहलाता है त्याग अनुपात। ठीक, आपका इसमें ऑप्शन बी वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्याग अनुपात इसमें आएगा करेक्ट उत्तर के रूप में। अब मैं आप लोगों को जो रिक्त स्थान बता रहा हूँ, इन रिक्त स्थानों को आप याद करेंगे। देखिएगा, एक वर्ष के दौरान उपार्जित मतलब कि अर्जित करना, ठीक, आय में वृद्धि को निवल लाभ के साथ जाता है, तो यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि में खाता भी बनाया जाता है, तो कौन सा खाता, तो याद रखना चालू खाता बनाया जाता है। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से साझेदारी फर्म का होता है, तो फर्म का जो है प्यारे विद्यार्थियों पुनर्गठन होता है। किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त मृत साझेदार के भाग को अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को लाभ प्राप्ति लिखना है, लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है,
तो सार्वजनिक जो कंपनी है उसके अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। रोकड़ में रोकड़ तथा शामिल है तो रोकड़ समतुल्यों समतुल्य शामिल हैं, ठीक है। रोकड़ में तो रोकड़ शामिल है, एक रोकड़ समतुल्य शामिल होती है। इसके बाद में ये आप देख सकते हो सही जोड़ी बनाइए वाला आपका क्वेश्चन इसमें आ चुका है। अब सही जोड़ी में आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है सही जोड़ी को। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा, अधिकृत पूंजी, जो अधिकृत पूंजी है ना, इसके आगे आप लोगों को सीमा पार्षद नियम बताना रहेगा, ठीक है। ऋण पत्र, तो जो ऋण पत्र है, ठीक है, ऋण पत्र में आप लोगों को बताना है दीर्घकालीन दीर्घकालिक ऋण, ठीक। स्थिर ब्याज दर, तो जो स्थिर ब्याज दर है ये ऋण पत्र का प्रतिफल होती है। और द्रव्यता अनुपात, द्रव्यता अनुपात के आगे आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता, ठीक है, कम समय के लिए। प्रचालन से रोकड़, तो प्रचालन से रोकड़ में करेक्ट उत्तर के रूप में आपको माल का विक्रय याद रखना है। औसत लाभ के आगे आपको बताना रहेगा अंशों का प्रतिफल, ठीक है। और आहरण पर ब्याज का करेक्ट उत्तर गुणनफल विधि, ठीक है, गुणनफल विधि कंप्लीट उत्तर के रूप में आपको लिखना है। ऐसे आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट होगी। अब सही जोड़ी के बाद में हम आपको बता रहे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन, वो भी पूरे हल सहित। देखिए पहला प्रश्न है, कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है लाभदायकता अनुपात, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्थिर परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो इसमें आपको विनियोग क्रियाकलाप लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है अधिलाभ आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है वह कहलाता है, तो दोस्तों वो संचित पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको संचित पूंजी बताना रहेगा। किस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, पूर्वाधिकार अंश आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है, दोस्तों पूंजी संचय है ये बनाया जाता है संचित लाभ से, ठीक, संचित लाभ आपको इसमें उत्तर बताना है। प्रत्येक कंपनी को तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अनुसार बनाना चाहिए, तो दोस्तों इसमें छठी अनुसूची के अनुसार बनाना चाहिए, तो ऐसा आपको उत्तर में लिख देना है, ठीक। बाकी आप लोगों को सत्य असत्य बता रहा हूँ मैं, देखिएगा ये रहे आपके सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन। फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, इसमें आपको सही बताना है। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, इसमें आपको असत्य बताना है। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ये भी असत्य है। कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रभाव विवरण भी शामिल रहता है, ये आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, ये असत्य है। और इसके अलावा फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो ये असत्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अपडेट मिलती रहे।